अच्छा उन्होंने शादी नहीं बेचारों कितनी कत्मी जो रुक जा थोड़ी देर बस। ये दबंग मैडम है। दबंग मैडम किस कदर दबंगई करती हैं ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैडम अपनी दोस्त के साथ स्कूटी की रफ्तार भर रही थी। महिला सिपाही ने स्कूटी रोकी तो मैडम ने बवाल मचा दिया। बीच चौराहे पर ही महिला सिपाही से दो दो हाथ करने लगी और जब महिला सिपाही ने दबंग मैडम के हाथ फंसा दिए तो दबंग मैडम ने महिला सिपाही को कपड़े फाड़ नंगा घुमाने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं दबंग अंदाज में निपट लेने का करार भी करार दिया। दबंग मैडम का हाल देख ये लग रहा था कि वो शराब के नशे में बेहाल है। उन्होंने शादी नहीं बेचारों कितनी कठिन हो रही। कोई नहीं और बुलाओ महिला को शॉट बुलाओ और जल्दी बुलाओ जल्दी। रुक जा थोड़ी देर बस रोक के रखता ना रुक जा। दरअसल ये वायरल वीडियो मेरठ के बुढ़ाना थाना इलाके का है। बीती बुधवार की रात बुढ़ाना गेट चौकी के पास जाम लगा हुआ था। जाम खुलवाने के लिए पुलिस पहुंची तो देखा दो महिलाएं सड़क पर रॉन्ग साइड आ रही हैं। पुलिस टीम के दरोगा ने महिलाओं को रोका तो दबंग महिला ने दरोगा पर ही स्कूटी चढ़ा दी। इतने में वहां मौजूद महिला सिपाही ने दबंग महिला को पकड़ा तो दबंग महिला ने महिला सिपाही समेत पूरे पुलिस महकमे से बदतमीजी शुरू कर दी। देखिए एक वीडियो वायरल हुआ है आज। ये थाना कोतवाली नगर मेरठ के चौकी बुढ़ाना गेट का प्रकरण है। बारिश के बाद में जो है सड़क पर जाम लगा हुआ था और भीड़ में जो है आवागमन जो है लोगों के लिए परेशानी हो रही थी। इस मौके पर रॉन्ग साइड से आती हुई दो युवतियां जो एक स्कूटी पर सवार थी उनको स्थानीय पुलिस महिला कांस्टेबल इनके द्वारा रोका गया। उनके द्वारा इस बात पर पुलिस से बदतमीजी करी गई है, भद्राचरण किया गया है, गाली गलौज भी हुई है। इसका वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने काफ़ी अभद्र आचरण किया पुलिस के साथ में। स्थानीय लोगों की मदद से और जो महिला कांस्टेबल है उसकी मदद से इन लोगों को रोका गया और अब इनके विरुद्ध संसदीय धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। विवेचना के क्रम में आगे निष्पक्ष वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दबंग मैडम अब पुलिस के शिकंजे में आ चुकी हैं। एसपी साहब ने भी मैडम की दबंगी निकालने के लिए पुलिस को एक्शन लेने के आदेश दे दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।